मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिग्विजय सिंह अभी तक मौन हैं। साथ ही कहा कि वे आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हैं। इसके अलावा कहा कि यह मध्य प्रदेश है, यहाँ शिवराज की सरकार है, यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाने वालों को जेल भेजा जाएगा। कांग्रेस पार्टी और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी का हमेशा से समर्थन आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने वालों के साथ, आतंकवाद फैलाने वालों के साथ और आतंकवादियों के साथ रहा है। जाकिर नायक शांति का दूत, ओसामा जी, हाफिज साहब, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने बर्बरता की है, वहां के नागरिकों को मारा है, क्या दिग्विजय सिंह का एक भी ट्वीट सामने आया? जब देश विरोधी नारे लगे तो कांग्रेस पार्टी के यही दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी उनके समर्थन में खड़े हुए। जब बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रही, सो नहीं पाई। आज एक ही कौम उसी कौम के लोगों को मारने का काम कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, पर दिग्विजय सिंह का एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। ये स्पष्ट दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है, ये किन के साथ खड़े हुए हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम ये इस प्रकार की चेष्टा ना करें। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, यहां पर इस प्रकार की गतिविधि करने वालों को पकड़ा भी जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ा भी जाएगा और सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। कोई व्यक्ति अगर अपना नाम बदलता है और नाम बदल के महिला के साथ छलावा करता है, उसे भी जेल भेजा जाएगा। तो कृपया करके कांग्रेस पार्टी अपनी टांग मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में ना अड़ाए। कानून व्यवस्था अपने हिसाब से चलेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और निश्चित ही इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजेगी।